ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन मैं। और आज हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल के ईश्वर वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा हमारे पिता, हमारे रचयिता, हमारे क्रिएटर हमसे कहते हैं कि आप अपने मन बुद्धि का राजा बने। वो राजा बनना कैसे है उसके बारे में हम सीखेंगे इस वरदान में। तो राजा वो होता है, एक राजा वो होता है जिसके खुद के मन के ऊपर कंट्रोल होता है, उसके संकल्पों के ऊपर कंट्रोल होता है, उसका उसकी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल होता है जो कि निर्णय लेती है। और अगर राजा का खुद के ऊपर कंट्रोल ना हो तो वो प्रजा को कैसे गाइड करेगा। बात सही है कि नहीं, आप खुद ही सोचिएगा। आप अपने घर के राजा हैं, आप अपने फैमिली के राजा हैं, आप अपने बिजनेस के, अपने जॉब में राजा हैं, लेकिन अगर आपका मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो आप इस बिजनेस को, इस फैमिली को, इस जॉब को आप कैसे ठीक तरीके से कर पाएंगे, कैसे अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए परमात्मा कहते क्या हैं, बाबा कहते हैं अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा हम कौन हैं, क्या करते हैं। दुनिया वाले कहेंगे मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो लॉयर हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक इंजीनियर हूँ, या तो मैं एक सर्जन हूँ। परमात्मा कहते हैं आप एक राजयोगी हो। तो अगर हमें ये याद रहे कि हम एक राजयोगी हैं, हर सेकंड के राजयोगी, चाहे हम दुनिया का कोई भी प्रोफेशन कर रहे हों, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भवा। विस्तार में चले, अमृत वेला तथा सारे दिन। अमृत वेला वो समय है जब अमृत ना मरने वाली आत्मा के बारे में हम, अपने बारे में हम समझते हैं, सोचते हैं और अपने अंदर की आत्मा को जागृत करते हैं। मतलब कि अपने अर्ध चेतन मन को हम इस ज्ञान के द्वारा जगाते हैं, आत्मा जागरण होता है, इनलाइटनमेंट होती है अमृत वेला। शरीर तो मृत है लेकिन अंदर बैठी हुई जो आत्मा जो आपसे बात कर रही है इस मुख के द्वारा, इस स्क्रीन को देख रही है इन आंखों के द्वारा, ये आत्मा जो मैं हूँ वो अमृत वेला को जाग जाती है। तो अमृत वेला ऐसा टाइम है जहाँ पर कि हम, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होकर के, उनसे इन टच होकर के अपनी बुझी हुई आत्मा, मरी हुई आत्मा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बुझी हुई आत्मा को हम जगा सकते हैं। तो अमृत वेला तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। तो आज का ये होमवर्क है, हमें परमात्मा पिता ने दिया है सुबह से ही, कि बीच बीच में एक एक घंटे में जब जब आपका मन होता है, जैसे कि ब्रह्म कुमारी हम एक ट्रैफिक कंट्रोल करके एक ऐप को चलाते हैं, जो कि जैसे ही उसमें गाने बजते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे हिंदी हो, तो उस समय हम एक मिनट अपने लिए या दो मिनट अपने लिए और परमात्मा के लिए निकालते हैं, और उस समय हम रिमाइंड कर सकते हैं कि हम कौन है, राजयोगी। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। क्या आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करते हैं, क्या आप अपनी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करते हैं, कि मन बुद्धि ने जो सोचा वो आंख ने देख लिया, जो बोलना था वो मुख से निकल गया, कान से सुनना नहीं चाहिए था लेकिन सुन लिया। क्या हमारे मुख से निकली हुई चीज़ को हम पसंद करते हैं जब वो निकल जाती है, कि हमें रिग्रेट होता है। इसका मतलब आप आत्मा का आपके मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए परमात्मा हमें ये विधि सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें, कि इसको कंट्रोल में कैसे लाए, हम इसके राजा कैसे बने। आगे देखें, फिर परमात्मा कहते हैं और रूलिंग पावर होती है, ये एक सेकेंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ऐसे राजा होते हैं, जो राज्यों की होती है, वो एक सेकंड में नहीं, ये बात नहीं सोचनी है, ये गलत है, परमात्मा ने बोला है या पवित्र है, सीधा एक सेकंड में ब्रेक लगाई और गाड़ी को टर्न कर लिया। कौन सी गाड़ी, मन रूपी गाड़ी को फटाफट टर्न कर लिया। बाकी चीज, बाकी गाड़ियां जिसको चलानी आती है उनको भी पता होगा कि फटाफट हम कैसे टर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है मन बुद्धि की, जिसको एक सेकंड में टर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रोड नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। फिर परमात्मा कहते हैं ये कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। कि आपने एक घंटा हो गया है, आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, उस व्यक्ति ने ऐसे क्यों बोला, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, 10 साल पहले उसने मेरे को ये चीज़ बोली थी, वो सामने दिख गया आपको और आपको स्मृति आनी शुरू होगी और आप फुल स्टॉप ही नहीं लगा पा रहे उन बातों को। किसी ने आपके साथ में धोखा किया, कोई चीज़ गलत हुई आपके साथ में, कुछ धन लूट गया, कोई बर्बादी हो गई, दिवाला लग गया, दिवाला मतलब लॉस हो गया बिजनेस में। परमात्मा कहते हैं कि उस सब चीज़ का ज्ञान आपको दिया जाता है, उसके लिए उस ज्ञान को इस्तेमाल करो और अपने मन बुद्धि को एक सेकंड में
स्टेबलाइज करो, तभी आप राजा कहला जाओगे। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चलता जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। व्यर्थ चलता जा रहा है, चलता राजा चलता जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तू तो मैं होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही है, बच्चों के बीच में आपस में भाई भाई की, भाई बहन की, तू तो मैं होती जा रही, फुल स्टॉप लग ही नहीं रहा है। बॉस चिल्लाता जा रहा है अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर, क्यों किया ऐसे, क्यों नहीं किया, टाइम पे क्यों नहीं आए, और फुल स्टॉप लगा ही नहीं पा रहे हैं। कितना समय वेस्ट, कितनी एनर्जी वेस्ट, कितना प्रोडक्टिव काम किया जा सकता था, तो ये करना कैसे है? टाइम को कैसे सेव करना है, आत्मा की एनर्जी को कैसे सेव करना है, बिकॉज थॉट भी तो एक एनर्जी है ना। अगर थॉट वेस्ट जा रहे हैं, टाइम वेस्ट जा रहा है, तो सब कुछ वेस्ट जा रहा है। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए आप ब्रह्म कुमारी इसका 7 डे कोर्स करें और उस ज्ञान को अपने जीवन में मेडिटेशन के द्वारा अपनाना शुरू करें, और आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसी के साथ ओम शांति।